नमस्कार, मैं दीपक सर रामजानकी विद्या मंदिर। मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले मैं आपको एक ग्रामर का वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें टेंसों की पहचान याद करने के लिए मैंने बताया था किस प्रकार याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ें याद कर ली होंगी, समझ ली होंगी। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो हमारा क्लास फोर से लेके उसके ऊपर तक जो भी क्लासें अपने स्कूल में लगती हैं उन सभी के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है। कक्षा चार में जो भी बच्चे हैं और उससे ऊपर की क्लासों में जो भी बच्चे हैं उन सभी को इस चार्ट को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। तो बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइकिल होती है डू डस। तो एक वचन के साथ डस, बहुवचन और आई के साथ डू आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्रिया होती है इज, एम, आर। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ऐसी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया होती है हैज, हैव। एक वचन के साथ हैज, आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात बाद में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की सक्रिय होती है डिड, जो सभी कर्ताओं के साथ लगाते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके सभी के साथ डिड आता है। ऐसी बात करते हैं हम पास्ट कंटीन्यूअस। आई और एक वचन के साथ वाज लगता है और बहुवचन के साथ वर लगता है, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस की सक्रिय वाज वर होती है, ठीक है। ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट की सह क्रिया होती है सभी कर्ताओं के साथ हैड आता है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट आई और बी के साथ सेल और अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सह क्रिया होती है बिल, सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस की सह क्रिया होती है बिल बी, सेल बी। आई बी के साथ सेल बी और अन्य कर्ताओं के साथ बिल बी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम फ्यूचर परफेक्ट, सेल है, बिल है, इसकी सहक्रिया होती है आई बी के साथ सेल है और अन्य कर्ताओं के साथ बिल है का प्रयोग होता है। अब देखिए मैंने जो छोड़ दिया था परफेक्ट कंटीन्यूअस, आप देख रहे हैं कि परफेक्ट की जो भी सहक्रिया है उनकी सहक्रियाओं में अगर हम बीम जोड़ देते हैं बीम, तो वो सहक्रियाँ परफेक्ट कंटीन्यूअस की बन जाती हैं। जैसे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की सहक्रिया है हैज, हैव, उसमें हम बीम जोड़ेंगे तो बन जाएगा हैज बीम, हैव बीम। तो ये सहक्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बनेगी। आप इसे देख के अच्छे से याद लर्न कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि इंडेफिनिट के जो भी वाक्य होंगे, टेंस होंगे, उनकी मुख क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगती है, उनकी मुख क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगती है। वैसे कंटीन्यूअस, अब कंटीन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसकी मुख क्रिया में हमेशा आईएनजी लगता है। ये देखिए मैंने लिख रखा है कंटीन्यूअस की मुख क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस की मुख क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। मतलब कंटीन्यूअस के जो भी वाक्य होंगे, टेंस होंगे, उनमें की मुख क्रिया में आईएनजी लगता है। अब परफेक्ट देखिए, परफेक्ट के टेंसों में मुख क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो आपके लिए बड़े आवश्यक है, बहुत जरूरी वीडियो है, और जो मेरा पहले वाला वीडियो था और उसके बाद वाला ये जो वीडियो है, इन दोनों वीडियो को रिलेटेड करके देखिएगा, पढ़िएगा, अध्ययन अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद के जो भी टॉपिक हैं मैं उनके वीडियो आपको भेजता रहूँगा, और मेरी उम्मीद है कि आप इस तरीके से टेंसों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं या सीख जाएंगे। धन्यवाद।